हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि आप मैक से एंड्रॉयड में डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे या फिर एंड्रॉयड से मैक में कैसे करेंगे। बहुत से लोग मैक सिस्टम या फिर मैकबुक या फिर जो मैक का टैबलेट है या फिर आईफोन है उसको नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि डेटा ट्रांसफर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सब पहले की बात थी। अब आजकल आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन, ऐसे सॉफ्टवेयर मिल गए हैं जिसमें आप डायरेक्टली सिर्फ सिंपल क्लिक या सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप पे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप चाहे कोई भी ओएस कोई भी डिवाइस को यूज करें। तो ऐसे ही मैं आज एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, आप चाहे एप्पल का आईफोन यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो या मैकबुक यूज कर रहे हो, आपको ये सारे प्लेटफॉर्म पे मिलता है। किसी भी तरह की फाइल हो, चाहे इमेजेस हो, वीडियो हो या डॉक्यूमेंट्स हो, आप इजिली मैक से और अपने एंड्रॉयड के किसी भी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा वो सॉफ्टवेयर और कितने सिंपल तरीके से आप कोई भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दिए इस तरह की जो भी टेक्निकल अपडेट्स आती हैं उनको सबसे पहले जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप गूगल पे सर्च करेंगे एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर और ये सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसका जो URL है android.com फाइल ट्रांसफर, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा है सपोर्ट मैक ओएस 10.7 और हायर, या फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो ऐप है एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर ये आपको सभी प्लेटफॉर्म पे सभी डिवाइसेस पे अवेलेबल है। अगर आपको एंड्रॉयड से मैक में डेटा ट्रांसफर करना है तो ये सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही देखिए इसकी DMG फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप टैबलेट पे या फ़ोन पे कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको इसकी फाइल इजीली सर्च करने पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अब इसको आप जहाँ भी प्लेस करते हो अपने सॉफ्टवेयर को, आप वहाँ पे इसको रख लेंगे और सिंपली इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़े आराम से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड्रॉयड से मैक में या फिर मैक से एंड्रॉयड में। तो आपने जो एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा और आप ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ड्रैग करेंगे इस एप्लीकेशन फोल्डर में। आप मैक यूज़ करते होंगे तो आपको आइडिया होगा किस तरह से करना है, लेकिन अगर टैबलेट से कर रहे हैं तो टैबलेट में डायरेक्टली ये इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेंगे, फाइल इंस्टॉल हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर, और अगर इंस्टॉल हो जाता है तो ये देखिए आ गया एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर। आप सिर्फ सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर इज एन ऐप डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, आर यू श्योर वांट टू ओपन इट। तो आप इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, नो एंड्रॉयड डिवाइस फाउंड। तो ये इसका मतलब है कि आपकी जो ऐप है अभी आपने डाउनलोड करी वो इंस्टॉल हो गई है, लेकिन यहाँ जब तक आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से USB के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस तरह का पॉपअप आता रहता है। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से मैं सब क्लोज कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे सिर्फ USB को अपने कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर है ये रन कर जाएगा और आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल मैक में कनेक्ट करके दिखाता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी सारी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका मैक अगर लेटेस्ट वर्जन पे होगा तो उसमें सी पोर्ट आता है और आपको USB वाला जो हब होता है इस तरह से आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद USB-C से लेकर आपको इस हब से कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आपकी जो एंड्रॉयड डेटा केबल होती है ये कनेक्ट होती है। अगर लेकिन आपका लेटेस्ट एंड्रॉयड है तो सब में सी पोर्ट मिलता है, वो सी पोर्ट डायरेक्टली आप अपने मैक सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसको मैं पहले यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपका ये वाला जो पोर्ट है ये आपको मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसको सिंपली आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही यहाँ पे जो एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर का पॉपअप है वो आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये खास से मोबाइल है इसलिए कनेक्ट हो गया। ये देखिए कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन अपने मोबाइल पर मिलते हैं जैसे ही आप फाइल को कनेक्ट करते हैं, चार्ज ओनली, ट्रांसफर फाइल या ट्रांसफर फोटोज़। तो आपको यहाँ सेकंड वाले पे करना है, सेकंड वाले पे आपकी फ़ोटोज़ भी ट्रांसफ़र होंगी, वीडियो भी ट्रांसफ़र होगी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे। जैसे ही यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ सिस्टम के ऊपर पॉपअप आ जाएगा एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे देखिए टैप करते हैं और ये मैंने टैप करा और तुरंत इसको इधर मूव कराओ, ये देखिए पॉपअप आ गया और ऊपर इस तरह का अलर्ट आता है। ज़रूरी नहीं है सबके सिस्टम पर आए, लेकिन अगर इस तरह का अलर्ट आता है तो आपको यहाँ सिंपली इग्नोर कर देना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइल है। अब मैं अपने मोबाइल पे पहले आपको दिखा देता हूँ वीडियोस के सेक्शन में कितनी वीडियोस हैं मेरे में, या कोई वीडियो नहीं, देखिए यहाँ पे चार वीडियोस हैं तो देख सकते हैं चार वीडियो हैं और सबसे लास्ट में जो वीडियो है 119 करके है। तो इस वाली वीडियो को मैं ड्रैग करूँगा अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है तो यहाँ खोलेंगे और ये देखिए 105119 करके है, इसको सिंपली यहाँ ला के ऐसे ड्रैग करके छोड़ देंगे और ये देखिए फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही फाइल को रहने देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक रिकॉर्डिंग मेरी रखी हुई है, इस रिकॉर्डिंग को यहाँ ड्रैग करते हैं इस एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर
और यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे और सिंपली आप छोड़ देंगे। और ये देख सकते हैं 173 MB की फाइल है, कितनी तेज़ ट्रांसफ़र हो रही है। ट्रांसफ़र होती है, इसको मोबाइल में हम दिखाते हैं ये आती है कि नहीं। वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप एंड्रॉयड और मैक के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये देखिए, चार फाइलें थी, सबसे ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली फाइलें आ गई। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी है इस एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना मैक और एंड्रॉयड के बीच में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना इजी है, सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफर से मैक और एंड्रॉयड के बीच में डेटा बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इस तरह की जो वीडियोज हैं आती रहती हैं मेरे चैनल पर, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।